इस मूवी के अंदर पांच ऐसे रिटायर्ड फौजी हैं जो एक ऐसी रॉबरी को अंजाम देते हैं जिसमें पैसों से भरी करीब 100 बैगे हैं। लेकिन रास्ते में आते आते इन्हें क्या क्या परेशानी होने वाली है, चलिए इस कहानी में जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है सैंटियागो से, जो कि एक अमेरिकी फौजी है। ये लोग एक डिस्को में छापा मारने जा रहे हैं। इनको रिपोर्ट मिली है कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा माफिया जिसका नाम लॉरिया है, वो डिस्को में अपने आदमियों से मिलने आया है। वहाँ बहुत सारी लोकल पुलिस भी थी। फिर ये लोग डिस्को के ऊपर हमला करते हैं और वो भी बदले में जवाबी कार्रवाई करते हैं। लेकिन जब डिस्को को बर्बाद करने के बाद वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर लॉरिया नहीं था, लेकिन वो उनके आदमियों को पकड़ लेते हैं। पुलिस वाले उन लोगों से लॉरिया का पता पूछते हैं, लेकिन वो लोग कोई भी जवाब नहीं देते। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी थी। फिर उन सबको वहाँ से ले जाकर एक वैन में बिठाया जाता है, लेकिन युवाना नाम की एक लड़की वहाँ से भाग जाती है। और तभी सैंटियागो उसका पीछा करता है और भी पुलिस वाले उनको ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाती है। फिर शाम को सैंटियागो एक घर में जाता है और वो लड़की वहीं पर थी। दरअसल वो सैंटियागो की खबरी थी और वो पूछता है कि तुम वहाँ पर क्या करने गई थी, और वो कहती है कि मेरा भाई वहीं पर था और मैं उसे मिलने के लिए गई थी, लेकिन अब उसे पुलिस पकड़ के ले गई है। सैंटियागो कहता है कि हम वहाँ पर लॉरिया को पकड़ने के लिए गए थे। फिर युवाना कहती है कि मुझे उसका एड्रेस पता है और मैं उसी के लिए ही काम करती हूँ, और ये बात आज तक उसने सैंटियागो से छुपा के रखी थी। फिर वो आपस में डील करते हैं कि युवाना लॉरिया को सैंटियागो तक पहुँचाएगी और उसके बदले में वो उसके भाई को सुरक्षित उसके पास पहुँचा देगा। और ये है विलियम, ये एक रिटायर फौजी है, लेकिन ये फिलहाल और फौजियों को मोटिवेट करने का काम करता है। और जब ये बाकी फौजियों को मोटिवेट कर रहा था तो सैंटियागो भी उसे सुन रहा था। फिर बाद में ये लोग एक दूसरे से मिलकर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। दरअसल सैंटियागो विलियम को एक मिशन के लिए मनाने आया था और वो उस मिशन के लिए मान भी जाता है। फिर हमें बैंड को दिखाया जाता है और वो भी एक रिटायर फौजी है, लेकिन फिलहाल ये हाउस डीलिंग कराने का काम करता है। फिर सैंटियागो भी इसी के पास आता है और वो उन्हें कहता है कि हमें एक मिशन पर जाकर वहाँ पर छानबीन करनी है और बदले में तुम्हें $17,000 मिलेंगे। लेकिन बैन कहता है कि सॉरी, मैं अब रिटायर हो चुका हूँ। लेकिन सैंटियागो कहता है कि बस लास्ट टाइम तुम ये काम कर लो। और बैन कहता है कि मेरी वाइफ से मेरा डिवोर्स हो चुका है और मेरे ऊपर मेरी बेटी की जिम्मेदारी भी है। फिर सैंटियागो कहता है कि दरअसल मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि लॉरिया के घर में करीब 60.5 करोड़ रुपए है, और अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो जिस कंपनी ने हमें हायर किया है वो हमें इस मिशन का 25% देगी, और अगर हम नाकाम हुए तो हमें $17,000 तो मिलेंगे ही। हमने जिंदगी भर दूसरों के लिए अपनी जान जोखिम में डाली है और ये पहली बार हमें अपने लिए कुछ काम करने का मौका मिला है। फिर बैन कहता है कि हमें इस मिशन के लिए बहुत सारी तैयारी करनी होगी। इसका मतलब कि बैन भी अब इस मिशन के लिए तैयार था। फिर वो उसके चौथे साथी के पास जाता है और वो विलियम का रियल ब्रदर था और उसके साथ उसका दोस्त भी था जो कि एक कमाल का पायलट था। और अब ये पांच लोग मिशन को अंजाम देने के लिए तैयार थे। फिर ये साउथ अमेरिका के एक पहाड़ी इलाके में जाते हैं, क्योंकि लॉरिया का अड्डा पहाड़ी इलाकों में था और वो बैंक के ऊपर विश्वास नहीं रखता था, इसलिए वो अपना सारा पैसा घर में ही रखता था। फिर वो जंगल में अपनी कार को पार्क करते हैं, तभी सैंटियागो सभी को हथियार देता है। फिर वो छुपके से वहाँ की सारी गतिविधियों को नोट करते हैं। इस घर में लॉरिया की फैमिली भी रहा करती थी। फिर सैंटियागो कहता है कि उसकी फैमिली हर संडे 6 बजे चर्च में जाती है और उस समय घर में केवल 3 गार्ड रह जाते हैं और बाकी के गार्ड उनकी रक्षा के लिए उनके साथ ही चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर युवाना आ जाती है। सैंटियागो कहता है कि ये मेरी खबरी है और उसके बदले में मुझे उसके भाई को रिहा करवाना है। फिर सैंटियागो कहता है कि क्यों ना हम वहाँ से माल लूटे और कंपनी को बताया ही न जाए, और हम वहाँ उस समय जाएंगे जिस समय पर फैमिली चर्च में गई होगी। वहाँ पर हम लॉरिया को मारेंगे और माल लेकर वापस घर आ जाएंगे। फिर ये लोग सैंटियागो से पूछते हैं कि क्या युवाना हमारे लिए एक वैन का इंतजाम कर सकती है, और साथ ही साथ हमें एक भारी कैपेसिटी वाला हेलीकॉप्टर की जरूरत भी पड़ेगी। फिर सैंटियागो अपने दोस्तों को वो सामान दिखाता है जिसकी इस मिशन में जरूरत पड़ने वाली थी, और अब वो समय आ जाता है जिस मिशन को इनको अंजाम देना था। फिर वो इंतजार करते हैं कि कब लॉरिया की फैमिली चर्च में जाएगी, और थोड़ी देर बाद ही सभी कारें वहाँ से चर्च के लिए निकल जाती है, लेकिन लॉरिया उनके साथ नहीं जाता, यानी कि लॉरिया घर में ही था। इतने में युवाना वहाँ पर एक बड़ी सी वैन लेकर आ जाती है। वो उस वैन को घर में पार्क करती है और वहाँ से अपनी कार में बैठकर चली जाती है। फिर वो लोग चुपके से घर में जाते हैं और वहाँ पर जो गार्ड था उसको पकड़ लेते हैं और उसे बांध देते हैं। फिर वो पूरे घर की छानबीन करते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। फिर वहाँ पर सभी लोग सैंटियागो को ब्लेम करते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी जान पर खेल के यहाँ तक आए थे और उन्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। तभी सैंटियागो की नज़र एक दीवार पर जाती है जिसे अभी अभी पेंट किया गया था। फिर वो उस दीवार को तोड़कर देखते हैं तो उसके अंदर से पैसा निकलता है। उस घर में कोई भी तिजोरी नहीं थी, बल्कि ये पूरा घर ही एक तिजोरी था।
और इस घर की सभी दीवारें खचाखच नौतों से भरी हुई थी और पैसे को देखकर उन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर ये लोग सभी पैसों को बैग में भरने लगते हैं। उन्हें वहाँ पर जितने भी बैग घर में मिलते हैं और उनके साथ जो भी बैग लाए थे उन सभी में वो पैसा भरना शुरू कर देते हैं और उन बैग को कार में रखते जाते थे। इनके पास माल इकट्ठा करने के लिए केवल 15 मिनट थे और इस दौरान वो जितना माल इकट्ठा कर सकते थे उतना ही करना था। लेकिन वहाँ पर बैन लालची हो जाता है और उनकी वैन भी खचाकर नोटों से भरी हुई थी और अभी तो इन्होंने सिर्फ 2-3 दीवारें ही तोड़ी थी, यानी कि इन लोगों ने जितना सोचा था उनसे हजारों गुना पैसा इस घर में पड़ा हुआ था। फिर विलियम और फ्रांसिस को बैन को समझाते हैं कि तुम ज्यादा लालची मत बनो क्योंकि हमने पहले ही जरूरत से ज्यादा माल इकट्ठा कर लिया है। और तभी अचानक एक सीक्रेट रूम में से लॉरिया बाहर निकल कर आता है और वो सब पर गोली चलाने लगता है, लेकिन सैंटियागो उसे शूट कर देता है। विलियम कहता है कि मुझे गोली लगी है, लेकिन चेक करने पर पता चलता है कि गोली उसे छूकर निकल गई थी और इन लोगों को पता था कि यहाँ पर गोलियां चल सकती है, इसलिए वो अपने साथ सारा सामान लेकर आए थे। तभी वहाँ पर फ्रांसिस को आता है और वो कहता है कि एक गार्ड्स की कार यहाँ पर आ गई है और सैंटियागो कहता है कि यहाँ से एक बैग उठाओ और पीछे के रास्ते से निकल जाते हैं। लेकिन बैन कहता है कि ये सारा माल लिए बिना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, चाहे मुझे किसी को भी मारना पड़े। फिर वो सभी अपनी वैन की तरफ जाने लगते हैं और रास्ते में जो भी गार्ड्स मिलते हैं वो उन्हें खत्म कर देते हैं और जाने से पहले बैन सारे घर को आग लगा देता है। और जब ये लोग अपनी कार में बैठकर वहां से जा रहे थे तो रास्ते में उसे लॉरिया की फैमिली भी मिलती है, लेकिन वो उन्हें बिना कोई नुकसान पहुंचाए वहां से आगे निकल जाते हैं। फिर वो लोग एक खंदर जगह पर पहुंचते हैं जहां पर युवाना पहले से ही मौजूद थी और उसे उसका भाई भी लौटा दिया गया था। फिर वो लोग लूटे हुए पैसों का वजन चेक करते हैं, जो कि लगभग 3000 किलो था, यानी कि करीब 250 करोड़ रुपए। और इतने में वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी आ जाता है। फिर टॉम कहता है कि हम इतने सारे रुपए को हेलीकॉप्टर में नहीं ले जा सकते और रास्ते में बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ आएंगे, लेकिन वो ये सब रिस्क लेने के लिए तैयार थे। फिर वो युवाना और उसके भाई को भी हेलीकॉप्टर में बिठा लेते हैं। उन्हें पेरू के आसपास उतरना था और कुछ घंटों के सफर के बाद उन्हें पेरू के पास उतार देते हैं। फिर बैन कहता है कि क्या तुम हमारा नाम जानती हो, और युवाना कहती है कि नहीं, और ना ही मैंने जाना है और ना ही तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बताया है। फिर वहाँ पर सैंटियागो आता है और उसे कहता है कि इस बैग में 3 मिलियन डॉलर है और ऑस्ट्रेलिया का वीजा और 2 टिकटें है, यहाँ से चले जाओ और कभी भी अमेरिका लौटकर वापस नहीं आना। तभी युवाना कहती है कि ये सारा रुपया अकेले लॉरिया का नहीं था, बाकी लोगों का भी था और वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। तभी सैंटियागो कहता है कि ये सब कुछ मैं संभाल लूंगा। फिर ये लोग वापस अपना सफर जारी करते हैं और सुबह होने तक वो लोग बर्फ के पहाड़ के बीच पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने जरूरत से ज्यादा पैसों को लूट लिया था, इसीलिए हेलीकॉप्टर ज्यादा ऊंचा उड़ नहीं रहा था। फिर टॉम कहता है कि हमें कुछ पैसों को नीचे गिराना होगा, बाकी हम लोग कभी भी समुन्द्र के किनारे नहीं पहुँच पाएंगे। फिर वो लोग कुछ बैग को नीचे फेंक देते हैं जिससे हेलीकॉप्टर का वजन तो हल्का होता है, लेकिन फिर भी वो पहाड़ की चोटी को पार नहीं कर पाते और हेलीकॉप्टर का गियर बॉक्स टूट जाने के कारण हेलीकॉप्टर क्रैश होने की कगार पर आ चुका था। फिर टॉम पूरी कोशिश करता है कि हेलीकॉप्टर गिरे नहीं और सीधा सीधा उड़कर नीचे जाए। फिर वो लोग एक अच्छी जगह देखकर हेलीकॉप्टर को नीचे लैंड कराते हैं, लेकिन फिर भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। फिर वो लोग हेलीकॉप्टर से बाहर आते हैं और जितने भी बैग पैसों से भरे थे उन सभी को बाहर निकालते हैं और उनके पास में एक छोटा सा गाँव था, उन्हीं में से कुछ लोग उस हेलीकॉप्टर के पास आ रहे थे। फिर सैंटियागो और बैन उन लोगों के पास जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम लोग फौजी हैं और ये सारा रुपया सरकार का है, लेकिन वो लोग कहते हैं कि अब ये हमारी जमीन पर है और तुम दोनों ने वर्दियां भी नहीं पहनी। फिर उनमें से एक आदमी गन निकालने लगता है, तभी टॉम उसे शूट कर देता है। उस समय पैसों के लिए सबसे ज्यादा लालची बैन ही लग रहा था। फिर बैन सबको कहता है कि जल्द से जल्द सभी पैसों को खच्चरों के ऊपर चढ़ा दो। फिर सैंटियागो वहाँ के गाँव के मुखिया को मिलने जाता है और जो लोग भी मरे हैं उनकी फैमिली के लिए 10-10 लाख रुपए और खच्चरों का पैसा देता है। फिर वो अपने सारे बैग लेकर वहाँ से चलने लगते हैं, लेकिन आगे उनका रास्ता एक लड़का रोकता है। तभी मुखिया उसे वहाँ से हटने के लिए कहता है और तभी वो लड़का उन्हें रास्ता दे देता है। फिर वो लोग दिन रात वहाँ पर चलते रहते हैं और रास्ते में बारिश भी होती है। फिर फ्रांसिस को कहता है कि अगर आग का इंतजाम हो जाए तो मजा ही आ जाए। फिर बैन कहता है कि अगर लॉरिया के आदमी हमारा पीछा कर रहे होंगे तो आग का धुआं देखकर हम तक पहुंच जाएंगे। फिर वो लोग रात वहीं पर गुजारते हैं और सुबह होते ही वहाँ से चलने लगते हैं। फिर रास्ते में वो एक नदी को भी क्रॉस करते हैं और चलते चलते सारा जंगल को पार कर लेते हैं और चट्टानों से होकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं। दरअसल वो रास्ता बहुत ही खतरनाक था जिसकी वजह से एक खच्चर वहाँ से नीचे गिर जाता है। फिर वो लोग संभल कर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब इन्हें पहाड़ से नीचे उतरना था, इसीलिए वो सभी खच्चर को वहाँ से भगा देते हैं और रस्सी की मदद से सारे पैसों को नीचे उतारने लगते हैं। उनके पास करीब 100 बैग थी और उनमें से वो एक भी वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहते थे।
तभी वहाँ पर एक और दिन चला जाता है और सर्दी के कारण उनका बुरा हाल होने वाला था। तभी फ्रांसिस को एक नॉट की गड्डी को आग लगाता है और उसके बाद वो एक बैग का सारा पैसा उस आग में जलाने लगता है। थोड़ी देर आग के कारण सभी को राहत मिलती है। फिर सुबह जब ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग शुरू होती है और वो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कौन और कहां से गोलियां चला रहा है। और तभी वहां पर उस गांव का लड़का जो एक चट्टान से पीछे से निकल कर आता है और वो तुरंत ही बैन को गोली मार देता है और बैन के साथ भी उस गांव वाले को मार देते है। दरअसल वो गांव वाला कई दिनों से उनका पीछा कर रहा था और वो बैन से बदला लेना चाहता था और उसने बदला भी ले लिया। फिर सैंटियागो कहता है कि हमें बैन की बॉडी और ये सारा रुपया यहाँ से ले जाना होगा क्योंकि इसकी फैमिली भी इस पैसों का हकदार है। और फिर से ये लोग वहाँ से चलने लगते हैं और चलते चलते इन लोगों की हालत वापस बुरी होने लगती है क्योंकि 100 बैग और एक डेड बॉडी को साथ लेकर चलना कोई आसान बात नहीं थी। वो एक जगह पर सारे पैसों को इकट्ठा कर लेते हैं और वहाँ से उन्हें समुन्दर भी दिख रहा था लेकिन मंजिल अभी भी दूर थी। फिर फ्रांसिस को कहता है कि मैं वहाँ पर देख कर आता हूँ कि वो बोट वाला अभी भी वहाँ खड़ा है या नहीं क्योंकि हमें 5 दिन पहले उसे मिलना था। फिर फ्रांसिस को उसके अगले दिन वापस आता है और कहता है कि अभी भी बोट हमारा इंतजार कर रही थी और मैंने उस बोट वाले को कुछ पैसे देकर वहाँ पर रुकने के लिए कहा है लेकिन रास्ते में कुछ गांव पड़ते हैं और वहाँ के गुंडे भी हमें ही ढूंढ रहे हैं और उनके साथ उस गांव के जवान लड़के भी है और वो फैसला करते हैं कि अब किसी का भी खून नहीं बहेगा। और साथ ही उन्हें ये भी पता था कि इतने सारे पैसों के बैग लेकर समुन्दर तक आसानी से नहीं पहुँचा जाएगा। फिर वो एक बड़ी सी खाई के अंदर सभी पैसों के बैग उसमें डाल देते हैं और अपने साथ एक एक बैग लेकर यहाँ से आगे निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर कुछ दिन बाद बर्फ पड़ने वाली थी और ये पैसे किसी के भी हाथ में नहीं आने वाले थे। और अब वो बैन की बॉडी लेकर आगे बढ़ते हैं। फ्रांसिस को पहले ही निकल जाता है क्योंकि वो बोट को किनारे पर ला सके। फिर रात में ये लोग कुछ लड़कों को वहाँ पर देख लेता है और सैंटियागो उनसे कहता है कि डरो मत लड़के, हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। उस लड़के के हाथ कांप रहे थे और वो वॉकी टॉकी से अपने साथियों को उनके बारे में बता देता है और इतने में ही वो लोग उन्हें पकड़ कर वहाँ पर बांध देते हैं और उनकी गाड़ी लेकर यहाँ से आगे निकल जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें और भी गुंडे मिलते हैं जो कि उन्हीं लड़कों के जैसे थे, इसलिए वो उन्हें गोली नहीं मारते बल्कि उसकी गाड़ी को पंचर करके उसकी गाड़ी को रास्ते से हटा देते हैं। और अब चलते चलते ये लोग बीच तक पहुँच जाते हैं लेकिन जिस जगह पर इन्हें जाना था वो जगह अभी भी 1 किलोमीटर दूर थी। फिर उन्हें फ्रांसिस को भी दिख जाता है जो कि एक छोटी बोट लेकर उन्हीं की तरफ आ रहा था। फिर वो बैन की बॉडी लेकर उन्हीं बोट में सवार हो जाते हैं और बिना कोई खरोच के वहाँ से निकलकर वो बड़ी बोट के पास जाते हैं। फिर वो अपने घर पहुँच जाते हैं तो वो अपने दोस्त वकील के पास जाते हैं। इन लोगों ने करीब 5.25 मिलियन डॉलर लूटे थे और उनकी वकील ये पैसों को 5 हिस्से में बांट देती है, 4 हिस्से इनके और 1 हिस्सा बैन का। फिर विलियम अपना हिस्सा बैन को देने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है और उसे देखकर फ्रांसिस को भी अपना हिस्सा बैन के नाम कर देता है और बाकी दोनों भी अपना हिस्सा बैन के नाम करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाहर आकर सैंटियागो सबके पासपोर्ट वहाँ पर दे देता है और वो सब लोग एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। फिर सैंटियागो विलियम से कहता है कि जब भी तुम बैन की बीबी को मिलो तो उससे कहना कि बैन बुरा आदमी नहीं था। फिर विलियम जाने से पहले सैंटियागो को एक स्लिप देता है और उसके ऊपर उस जगह की लोकेशन लिखी हुई थी जहाँ पर उन्होंने वो पैसे फेंके थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।